ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बुरहानपुर जिले के आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने मध्य प्रदेश में रैली निकालकर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने बैनर तले बुरहानपुर जिला अध्यक्ष भानुदास भंगाले ने अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित 9 सूत्रीय मांगों और समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन, जिसमें पुरानी पेंशन लागू करने व लंबित मनोन्नति और समयमान वेतनमान की मांग प्रमुख रही। आज हम लोग आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले प्रांतीय आह्वान पर ज्ञापन प्रेषित करने उपस्थित हुए थे, जिसमें हमारी गत 24-25 वर्ष पुरानी मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली, पदोन्नति, क्रमोन्नति और जो वेतन विसंगति है उसे सुधारा जाए, अनुकंपा नियुक्ति में जो सरकार ने पेच फंसा के रखा है उसको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए, जो पेंडिंग है आवेदन, इस प्रकार की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग माननीय अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होते तो हम आंदोलन को और अधिक उग्र करेंगे। गत दिनों 150 से अधिक साथी हमारे निलंबित हुए थे, वो बहाल हो चुके। हम लोग ये भी मांग करते हैं कि उनका वेतन निकाला जाए, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में ये हमारा जायज हक है कि हम लोग हमारी समस्याओं को लेकर और हमारी मांगों को लेकर सरकार के सामने रखें और निराकरण कराएं। ज्ञापन, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और क्रमोन्नति प्रदान की जाए और जो हमारे 2006 के साथी जो लगे हैं उसके वेतन में विसंगति है उसको सुधार किया जाए और जो हमारे हड़ताल में साथी निलंबित हुए उनका वेतन दिया जाए, यह मांग हमारी है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।